वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लॉकडाउन 3.0 का आज तीसरा दिन है और शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें बनी हुई है। दिल्ली में सुबह सुबह ही बोतल की तलाश में लोग निकल पड़े। ये देखिए, आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कृष्णा नगर, गोल मार्केट, करोल बाग, त्रिलोकपुरी, दिल्ली की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हर जगह आपको देखने को मिलेगी। चंद्रनगर, गुलाबी बाग, हर जगह एक ही सा नजारा है। राजधानी की कई दुकानों के बाहर 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये लाइन देखने को मिली। गुलाबी बाग में तो लोग दुकान में ही घुस गए, फिर पुलिस को मामला संभालना पड़ा। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी, गुड़गांव में भी जाम की तलाश खत्म हो गई है। यहाँ आज दुकानें खुलते ही लंबी लंबी लाइनें लगी। दिल्ली का हाल तो और बेहाल है। 70% दाम बढ़े, फिर भी शराब के लिए मारामारी मची हुई है। दिल्ली के गुलाबी बाग में लोगों से रहा नहीं गया तो लाइन तोड़कर दुकान में ही घुस गए। ना कायदे कानून का ख्याल रहा तो सोशल डिस्टेंसिंग दूर की बात। और अब बात करोल बाग की करें, देखिए वहां की तस्वीरें। दिल्ली के करोल बाग में शराब की दुकान में इतनी भीड़ जुटी कि पुलिस से संभाले नहीं संभला और दुकान को आखिरकार बंद करना पड़ा। यहां सुबह 5 बजे से ही शराब के लिए लोगों का जुटना शुरू हो गया था। बहुत मिले हमें मायखाने में भाई, थोड़ा इधर हम कैमरा पैन करो। दारू को लेके तो महंगी हो या सस्ती हो, इनको तो चाहिए, पीने वालों को चाहिए। 40 दिन हो गए भाई साहब, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग यहाँ पे। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। और देखिए कि कोई रम बोर्ड का मांगे, तो कोई बियर वाइन, डेली डेली दारू के ठेकों पे लगती लंबी लाइन। के माय खाने का रास्ता देखिए किस तरीके से, कैसे बेकरार होते हैं शराब। शेरोशायरी भी आप लोग करने लगे यहाँ लाइन में लगते हैं। मैं आ गया, मैंने कहा देखूं जाके, हो सकता है मैं भी लग जाऊंगा, एक हाथ ले लूंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो देखिए आप, गजल ही सुनिए आराम से। देश भर में शराब की दुकानें खुलने का असर फिलहाल बेहद खराब नजर आ रहा है, लेकिन जो हम तस्वीरें आपको राजधानी से दिखाने वाले हैं वो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि शराब की दुकान अभी खुली नहीं है, उससे पहले ही भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए तस्वीरों में फिलहाल दुकान नहीं खुली है, लेकिन आप कतार देखिए कितनी लंबी यहाँ पर ये कतार नजर आ रही है। जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोशिश की है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने की, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे वो भी नजर नहीं आ रही है। बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी तरीके की स्थिति बिगड़े तो यहाँ पर बैरिकेड्स मौजूद रहे, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर साफ साफ उल्लंघन देख रहे हैं, धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। 1 मीटर क्या यहाँ पर 1 फीट की भी दूरी दरमियान लोगों के बीच में नहीं नजर आ रही है। और खास तौर पर ये हम तब दिखा रहे हैं जब सामने पुलिस चौकी है, तो ये कुछ तस्वीरें हम राजधानी से दिखा रहे हैं। यहाँ देखे सामने पुलिस चौकी है और सामने ये कुछ तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मेला लगा हुआ है और शराब की दुकान खुलने से पहले की ये तस्वीरें हैं कि यहाँ इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है। इतनी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जिधर तक नजर जाती है वहां पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।